हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इवनिंग से हमारा व्लॉग शुरू हुआ है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कर रहा है पूजा, और हमारा मंदिर देख लीजिए मेज पर रखा हुआ है, क्योंकि हमारे मंदिर में हो रही है पेंट वगैरह हो रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर हम लगा देते हैं भोग। तो आलू मटर की सब्जी का भोग हमने लगाया, रोटी सब्जी का, और भगवान जी भी भोग लगा लेंगे और बच्चे भी खाना खा लेंगे। उसके बाद हम कुछ रेमेडी बताएंगे आपको आज। तो दो रेमेडी हैं जिनको मैं खुद यूज़ करती हूँ, और उसके जो मुझे फ़ायदे मिले हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे खाना खा रहे थे, और लड्डू जी का भी भोग लगा दिया है, तो इनका भी खाना वो उठा लेते हैं। और बस अब रेमेडी शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना रायते का मसाला बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बहुतों ने मेरे से पूछा है कि रायते का मसाला कैसे बनाते हो आप। तो वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैंने साबुत धनिया, काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े दो तीन, और ये दो तीन लौंग, और ये थोड़ी सी अजवाइन और हींग, और हमारा जीरा तो जाएगा ही जाएगा, और हल्का सा चाट मसाला और काला नमक। तो इनको सबको पहले हम भून लेते हैं। तो मैंने ये ले लिया है तवा, तो ये मैंने गर्म कर लिया है। तो इस पर हम डालेंगे अब जीरा। जीरा हमें ज़्यादा लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। इसको भून लेते हैं। और ये जो अजवाइन है, ये धनिया है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, गैस वगैरह और कब्ज ये सब दूर करते हैं। तो रायते में डाल के पियेंगे तो हमें जो छाछ होती है, दही होती है, वो नुकसान देते, वो भी नहीं देगी। तो अभी हमारा जीरा भून चुका है। अब इसमें हम इसको एक बर्तन में कर लेंगे, ज़्यादा काला नहीं करना है। और अब इसमें हम भूनेंगे बहुत मंदी आँच पे धनिया, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और चीनी, दालचीनी। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही लिया है। तो जी ये भी हमारे भून चुके हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं। ये वाली लाल चटनी खराब हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग को गर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही डालेंगे मसाले में। और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और काले नमक। तो काले नमक की क्वांटिटी हमें रखनी है ज़्यादा। और इस पे हम थोड़ा सा जीरा, तो थोड़ा सा जीरा हम अलग से भून के रख लेंगे, जो साबुत जीरा जो डालते हैं हल्का सा, तो वो भी अलग से धर लेंगे भून के। अच्छा लगता है, ये तो सारा पिस जाएगा, चूरा हो जाएगा इसका। लगाऊंगी। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है बनकर, आप देख सकते हो, एकदम टेस्टी लगता है ना मसाला, बहुत टेस्टी लगता है। काली मिर्च, हरी मिर्च को ना सुखा करके और इसमें पीस सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारा मसाला है रेडी, इसको कर लेते हैं डब्बे में।
तो जी हमने इसमें कर लिया है, और ये जो हमने थोड़ा सा भुना है ना अलग से, इसको हल्का हल्का क्रश करके और इस डब्बे में डाल देंगे। और बस जब आप छाछ या दही कुछ लो, इसको मिक्स करो और पी जाओ। और इसमें खुशबू भी इतनी अच्छी आएगी, आपको लगेगा ना कि अभी ताज़ा ताज़ा धुआँ लगा के बनाया है। इस तरीके से, और ये आपका रेडी हो जाएगा रायता मसाला, घर का होममेड। तो आप ऐसी साबुत घर की साबुत जो हमारी वो होते हैं मसाले होते हैं, उनसे बनाइए, बहुत स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे अपने दातुन, होममेड दातुन यानी पेस्ट। तो इसके लिए हम लेंगे लौंग और दालचीनी का छोटा टुकड़ा जो मैंने कूट लिया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और लेंगे हल्दी, जो साबुत हल्दी होती है ना उसको मैंने पीस के रख रखा है, तो आप साबुत भी ले सकते हो, मैं पिसी हुई ले रही हूँ। और सेंधा नमक, तो इसको हम डालेंगे इसमें। तो हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने सारी ही हल्दी ले ली है। और लौंग, लौंग की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि गर्म होती है ना लौंग, तो मसूड़ों को नुकसान ना दे दे। और दालचीनी भी थोड़ी कम होनी चाहिए, तो मैंने इतनी क्वांटिटी ली है लौंग की और इतने इसमें। और अब हम ले लेंगे सेंधा नमक, तो नमक भी हमें थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इतना काफ़ी रहेगा, इससे भी कम, क्योंकि नमक भी मजबूत करता है ना मसूड़ों को। आपने सुना है कि सेंधे नमक के गरारे करो अगर मसूड़ों में दर्द है, तो वो चीज़ है। हल्दी, सेंधा नमक, लौंग और दालचीनी का पाउडर, तो वो मैंने सब लिया है। और हम अब हम इसको पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी आप देख सकते हो हमारा पीस चुका है पाउडर, और इस तरीके से हुआ है। और जब भी आपको दातुन करना हो ना, बहुत थोड़ा सा लेना है इस तरीके से, और हल्का ऐसे लेके, हल्का सा गीला करके इसको, और ऐसे लेके हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है दांतों पे और मसूड़ों पे अच्छे से, तो जो पारिया होता है ना, पारिया पारिया भी निकल जाएगा आपका, और मसूड़े भी मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। जिनके दांतों से मसूड़ों से खून आता है वो भी ठीक होगा, और दांत तो स्वस्थ रहेंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा। अगर आप इससे रोज़ डेली कोलगेट करोगे, कोलगेट यानी ब्रश करोगे, तो ब्रश नहीं, मैं तो उंगली से ही करती हूँ, आप भी उंगली से थोड़ा थोड़ा पेस्ट किया करो। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।